गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग सबका, बहुत बहुत स्वागत है डियर स्टूडेंट्स बायजूस एग्जाम प्रेप के ऊपर। कम ऑन जॉइन दिस सेशन वेरी फास्ट। गेट लक्ष 2022 जो सीरीज हमने चालू की थी डियर स्टूडेंट्स, राइट, फिफ्थ डे आज का है और ये पांचवा सेशन डियर स्टूडेंट्स। चलो लेके आया हूँ CIMS एंड नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग के ऊपर कि जो आपको डियर स्टूडेंट दे सकता है 3 से 4 मार्क्स। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस सेशन कि आपको ये देखो छोटे छोटे टॉपिक्स है और आपको 3 से 4 मार्क्स दे के चले जाएंगे। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से उठाएंगे और करेंगे इसके न्यूमेरिकल सॉस, सीखेंगे उसके बारे में, राइट। चलो जल्दी से आ जाओ, सबका बहुत बहुत एक बार फिर स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। ओके मोहिनी, वेलकम मोहिनी, हेलो हाउ आर यू। अनुराग, सौरभ कैसे हो, कीर्ति कैसे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भैया, यस यस डेफिनेटली ये बेनिफिशियल है, मैंने ऑलरेडी बोला था ये मोहिनी, राइट। चलो चलो जल्दी से कम ऑन डियर स्टूडेंट्स, ज्वाइन द सेशन। देखो कल मेरे ख्याल से मैच थी या क्या था अपना, बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़ पाए थे कल। सो चलो जल्दी से आ जाओ भैया, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है अगर हम गेट 2022 लिखना चाहते हैं, राइट। तो डेफिनेटली प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट चुना है क्योंकि ये हाई वेटेज टॉपिक, हाई वेटेज सब्जेक्ट, और इसके हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट देखो चैप्टर्स को छू के हम उसको निकल गए हैं, उसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक्स कर दिए। फॉर एग्जांपल कास्टिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, फॉर्मिंग हो गया, कटिंग हो गया। ओके सो सूरज सर वेलकम वेलकम। सो देखो सूरज सर भी आ चुके हैं, राइट। सो डेफिनेटली सूरज सर भी आएंगे अपने सब्जेक्ट के साथ और आपको करवाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ओके और आपको दिलाएंगे श्योर शॉट मार्क्स डियर स्टूडेंट्स। सो चलो उमर वेलकम, उमर, अजीत वेलकम, अजय वेलकम, बहुत बढ़िया भैया, जल्दी से आ जाओ क्योंकि कल नंबर्स गिर गए थे। डेफिनेटली जो अपनी कंटिन्यूटी थी लगभग 4 सेशन की, डेफिनेटली बहुत ही अच्छी थी, लेकिन कल कंटिन्यूटी नहीं थी। सो जल्दी से आ जाओ करेंगे। सबसे पहले मैं करूंगा देखो एनटीएम, जिसमें कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग आप देखोगे, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग आप देखोगे, तो अगर आपको वो गेट में जो भी ऑर्गेनाइजिंग स्टूडेंट, जो भी पेपर सेटर है, अगर वो चाहता है कि मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल सेट कर दूं, तो डेफिनेटली आपको पूछेगा भैया वो ECM के ऊपर या फिर EDM के ऊपर, ओके ECM इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के बारे में, EDM इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में पहले, सबसे पहले ओके वो दो चीजें, वो दो प्रोसेस सीखेंगे, उसके रिलेटेड करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, और उसके बाद मूव करेंगे हम मूव करेंगे कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के ऊपर, कि जिसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है भैया कि BLU बेसिक लेंथ यूनिट का कैलकुलेशन सीखेंगे। बहुत बार पूछा, देखो आप उठा के देखो क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर के, ओके सो भैया ये सब चीजें हैं जो आज करने वाले, बहुत मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 टॉपिक उठाएंगे और उसको करेंगे कंप्लीट इस सेशन में, और 3 से 4 मार्क देखो ज्यादा बड़ा नहीं है, ओके ये 3 से 4 प्रोसेसेस करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी अगर न्यूमेरिकल पूछने की है तो डेफिनेटली 100% श्योर शॉट हमारे मार्क्स होने वाले कंफर्म। चलो भैया चालू करते हैं। दिस इज अबाउट मी, आई एम ओंकार, हैविंग मोर देन 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस फॉर टीचिंग गेट एंड ESE, टिल नाउ आई हैव मेंटर मोर देन 10,000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर गेट एंड ESE, माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज आर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स एज वेल। सो भैया ये देखो हमारी बहुत ही जबरदस्त स्टार फैकल्टीज यहाँ पे, धीरज सर, सूरज सर अभी अपने चैट बॉक्स में थे, अनुभव सर, मुकेश सर एंड सोनू चौहान सर, ओके तो बढ़िया से चलो आगे बढ़े। देखो बायजूस एग्जाम प्रेप, बायजूस ने डियर स्टूडेंट्स गेट ESE के लिए ये कोर्सेज किए हैं लॉन्च, ओके विजन गेट 2022 रैंक अप जो कि बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस कोर्स है डियर स्टूडेंट्स, और विजन 2023 को तो क्या कहने, बहुत ही बढ़िया कोर्स, अगर आप सेकेंड या थर्ड ईयर में है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी द आइडियल कोर्स डियर स्टूडेंट्स फॉर दी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स डेफिनेटली। सो डियर स्टूडेंट्स एनी क्वेरी इज देयर रिलेटेड टू दिस कोर्सेस, ओके यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर 9650052904, ओके चलो बढ़िया से आगे बढ़े करते आज का सेशन चालू, कि मैं जो बोला था आपको इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग पढ़ेंगे भैया, और उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, और बाद में मूव करेंगे CIMS के ऊपर। भैया देखो देखने के लिए तो बहुत बड़ा है, अजय
ओके सी एन सी एन सी सी एम एस आर वन नंबर क्वेश्चन। देखो भैया वन नंबर नहीं, वन और टू नंबर न्यूमेरिकल पूछते तो दो नंबर का न्यूमेरिकल आता है। ऋषभ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अंकित, गुड इवनिंग भैया। चलो जल्दी से आ जाओ, सेशन को शेयर कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल बायजूस गेट ईएससी चैंपियंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक्स बढ़ने चाहिए, सेशन शेयर होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो लाइव आ रहे हैं वो बढ़ने चाहिए, डेफिनेटली बढ़ने चाहिए। चलो तो देखो ईसीएम सबसे पहले जो बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग की, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग की जिसे हम ईसीएम भी कहते हैं भैया, बहुत ही मतलब बहुत ही ओल्ड प्रोसेस है, बहुत ही ओल्ड प्रोसेस है जो हमने सीखा था इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसी चीज। ओके थोड़ा बहुत इक्विपमेंट चेंज कर दिया, ओके थोड़ा बहुत अगर उस सेटअप को चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ पे हमको रिमूवल चाहिए, मटेरियल रिमूवल चाहिए, यहाँ पे मशीनिंग करना है कि जो हमको पता है आयन डिस्प्लेसमेंट उसका भी क्या था, मैकेनिक्स था। ओके या इलेक्ट्रोलिसिस जो मैकेनिज्म था इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सेम चीज है यहाँ पे, लेकिन थोड़ी बहुत चीज हम ये करने वाले कि भैया हम एनोड को, आपको पता है कैथोड एंड एनोड यहाँ पे होंगे। ओके कैथोड एंड एनोड, कैथोड ये वर्क, ये आपका टूल है और एनोड यहाँ पे होता है आपका वर्क पीस। आप क्या करोगे एनोड को, आप इस इलेक्ट्रोलाइट में आप क्या करेंगे भाई इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग से इसको इरोड करोगे या फिर इसको डिजोल्व करोगे, यहाँ पे डिजोल्व करोगे और उसको ऐसा लेके जाओगे बाहर की भैया वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट ना हो, ऐसा आप इलेक्ट्रोलाइट चूज करेंगे। ओके तो बस यही है कि मैकेनिज्म आप देखने जाओ तो भैया बहुत ही सिंपल कि जो वर्कपीस है उसको डिजोल्व करना है इलेक्ट्रोलिसिस से, लेकिन उसको ऊपर देखो ये जब डिजोल्व होगा ये वर्कपीस इसको वापस टूल के ऊपर, वापस टूल के ऊपर डिपॉजिट नहीं होने देना, यही तो है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, यही तो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। देखो टूल जिसको सर्वो मोटर से फीड दी जा रही है और एट द सेम टाइम जो इलेक्ट्रोलाइट है देखो पंप किया जा रहा है उसके बीच में से, सो बिटवीन द गैप जो टूल एंड वर्कपीस के बीच में जो गैप है वहां पे इलेक्ट्रोलाइट पंप किया जा रहा है और यहाँ पे प्रोसेस जो है डेफिनेटली इलेक्ट्रोलिसिस की, जहां पे एनोड दैट इज वर्कपीस डिजोल्व हो रहा है और वो टूल के ऊपर दैट इज कैथोड के ऊपर ऊपर हम उसको डिपॉजिट नहीं होने दे रहे भैया, यही तो है बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। अगर मैंने डिपॉजिट करने को अलाउ कर दिया तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगा। अरे हाँ ना, देखो बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है। परविंदर नमस्कार, मनीष कुमार सिंह सर आपका फोटो आ रहा है, कहां पे मेरा फोटो आ रहा है? हाँ हाँ मतलब ये सामने, ओके ओके कुछ देखो ये ओके ओके एक सेकेंड अच्छे से अगर आपको देखना है तो दिखाता हूं, देखो ओके दिखाई दे रहा है देखो पूरा का पूरा अच्छे से ओके। और यही अगर सिंप्लीफाइड डायग्राम अगर मैं आपको दिखा दूं, सिंप्लीफाइड डायग्राम अगर मैं आपको दिखा दूं तो देखो ये है सिंपल, बहुत ही सिंपल है। देखो ये टूल दिख रहा है, ये टूल है ओके ये टूल है, उस टूल में से हम इलेक्ट्रोलाइट पंप कर रहे हैं कि यहाँ पे पंप भी सब दिखाई दे रहा था, मैंने यहाँ पे सब चीजें दिखाई थी ओके कोई बात नहीं। देखो ये इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ पे इस कंटेनर में है इसको क्या कर रहे थे हम, पंप कर रहे थे और ये पंपिंग थ्रू कहाँ से हो रहा था, टूल में से ओके बस ये अब पंप वगैरह मैंने ये एसेसरीज हटा दी और सीधा अगर मैं अटैक करूं डायग्राम पे तो ये बहुत ही सिंपल डायग्राम है। देखो कि जो वर्कपीस है ये एनोड है और ये टूल जो कैथोड है, कि जहां पे अगर भैया मैं इस बात करूं ये जो प्रोसेस है इसमें वोल्टेज बहुत कम यूज है, दैट इज 8 वोल्ट से 20 वोल्ट जितना डीसी वोल्टेज यहाँ पे लगता है और करंट जो है वो सर्टन या फिर फ्यू एम्पीयरेज में चला जाता है, याद रखना ओके मतलब इस प्रोसेस को जनरली बोला जाता है कि लो वोल्टेज एंड हाई करंट प्रोसेस है ये इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस। भैया अब मैं मेरा चेहरा दिखाऊं मेरा ओके चलो मैंने यहाँ पे मेरा चेहरा फिर ला दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ओके ठीक है भैया अब आपको समझ में आ गया, ये पंप वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं, आपको खाली दिखा दिए एग्जैक्टली कैसे पंप कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोलाइट और जो इलेक्ट्रोलाइट है भैया ये ऐसा चूज किया है हमने कि वो एनोड को डिजोल्व तो करेगा लेकिन टूल के ऊपर डिपॉजिट नहीं होने देगा, यही तो इसकी मेन चीज है, तभी जाके ये कहलाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। अब भैया देखो इसकी अगर बात करें तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, देखो ये जो प्रोसेस है इसके अंदर जो करंट है एंड वोल्टेज है, करंट जो आता है या लगता है सर्टन या फिर फ्यू एम्पीयरेज, फ्यू थाउजेंड एम्पीयरेज में लगता है, जबकि मैं वोल्टेज की बात करूं तो बहुत ही कम वोल्टेज लगता है, 8 से 20 वोल्ट जितना इसमें वोल्टेज लगता है और जो गैप होता है वर्कपीस और टूल के बीच में वो 100 माइक्रोन से लेकर 200 माइक्रोन तक जितना गैप यहाँ पे प्रोड्यूस होता है
अगर आप बात करो तो यहाँ पे ये भैया ईसीएम जो प्रोसेस है क्वाइट अच्छा मटेरियल रिमोल्ट आपको देती है 15,000 mm³ पर मिनट जितना एमआरआर है, डेफिनेटली प्लाज्मा आर्क से कम है, प्लाज्मा आर्क का 15 × 10⁴ mm³ पर मिनट इतना ज्यादा है ओके। लेकिन ईसीएम क्वाइट अच्छा मटेरियल रिमोल्ट देता है, उसके बाद आपके पास है ईडीएम की जो 5,000 mm³ मिनट जितना आपको हाईएस्ट मटेरियल रिमोल्ट रेट दे सकता है ओके। अब यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ कौन सा लॉ भैया, इलेक्ट्रोलिसिस में आपको तो पता है फैराडे का लॉ यूज हुआ। फैराडे क्या बोला कि मास जो आपने रिमूव किया है इट इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू द आईटी एप्सिलॉन, है ना, कि जितना मास आपने मटेरियल जितना वर्कपीस से एनोड से डिसॉल्व किया है रिमूव किया है इट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, इट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू ग्राम इक्विवेलेंट ओके। सो आपको पता है ये कैसे देते ग्राम इक्विवेलेंट, आईटी इज इनटू दिस ग्राम एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी डिवाइडेड बाय वैलेंसी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू ए बाय जेड भैया सबको पता है ये चीज, अरे हाँ है ना। मतलब यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर रिमूव करनी है तो मुझे पता है कि यहाँ पे आता है कूलम्ब दैट इज सॉरी फैराडेस कांस्टेंट कितना है 96500 कूलम्ब्स पर मल जितना यहाँ पे फैराडे का कांस्टेंट है कांस्टेंट है। सो एम इज इक्वल टू दिस आई टी ओके ए डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन इंटू जेड सॉरी इप्सिलॉन नहीं लिखा यहाँ पे फैराडे का कांस्टेंट आएगा क्या आएगा यहाँ पे एफ आएगा ओके ओके फैराडे का कांस्टेंट एफ जिसकी वैल्यू आपको कितनी होती है 96500 कूलम्ब पर मोल जितनी ओके। सो भैया यहाँ पे ये वैल्यू जो है कभी कभी क्वेश्चन में दे देते हैं लेकिन कभी कभी देते नहीं, तो आपको वो वैल्यू फैराडे कांस्टेंट की पता होनी चाहिए 96500 ये कूलम्ब पर मोल इतनी वैल्यू इसकी है ओके। यहाँ पे जो टाइम है वो भैया सेकेंड्स में है, टाइम जो है सेकेंड्स में है, जेड है वैलेंसी ऑफ डिसोल्यूशन है ओके, वैलेंसी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द एनोड है ओके। भैया याद रखना ये क्या है ग्राम एटॉमिक वेट है, ये ग्राम एटॉमिक वेट है आपका जो मटेरियल जो आप डिसॉल्व कर रहे हो ओके उसका है ओके। आई क्या है भैया, आई है करंट कितना पास हो रहा है सर्किट में से ओके। अगर यही चीज को मैं ऐसा लिखूं, ये टाइम को अगर मैं एलएचएस के डिनोमिनेटर में लेके आऊं तो ये क्या कहलाएगा, अरे दिस इज ए आई डिवाइडेड बाई अब जेड, अरे हाँ या ना। सो ये मटेरियल रिमूवल क्या है पर यूनिट ऑफ टाइम है, सो ये मटेरियल रिमूवल रेट पर यूनिट ऑफ टाइम अगर एम डॉट में लिखूं तो क्या हो जाएगा, इट इज ए आई डिवाइडेड बाय एफ जेड और ये कहलाएगा ग्राम्स पर सेकेंड में, ये हो आपका मटेरियल रिमूवल रेट इन ग्राम्स पर सेकेंड भैया, ग्राम्स पर सेकेंड याद रखना। जनरली एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोट करके रखना, अगर आपको ईसीएम के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो भैया एक मैं आपको यहाँ पे चीज बता देता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीजीएस को फॉलो करो ओके। सेंटीमीटर में लेंथ, वेट ग्राम्स में और टाइम सेकेंड्स में, सीजीएस आप ये यूनिट की सिस्टम फॉलो करो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैंने मास किस में लिखा, देखो मास फ्लो रेट किस में लिखा है मैंने ओके, मास फ्लो रेट है ग्राम्स पर सेकेंड में। भैया अगर मुझको यही चीज यही मटेरियल रिमूवल रेट अगर सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड में चाहिए तो क्या होगा, रे देखो ये मास फ्लो रेट है, अगर उसको मैं मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ओके, अगर इसको मैं डेंसिटी से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, ये वॉल्यूम आएगी, अरे हाँ है ना। मतलब यहाँ पे अगर मटेरियल रिमूवल रेट मुझे क्यू लिखना है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के लिए तो क्या लिख सकता हूं मैं, इट इज ए आई डिवाइडेड बाई एफ जेड तो था ही, अब मैं इसको डिवाइड करता हूं रो से, रो क्या है ये डेंसिटी ऑफ योर एनोड मटेरियल, जो भी आप मटेरियल रिमूव करने जा रहे हो उसकी डेंसिटी है, अरे हाँ है ना। सो ये भैया जो आपको मिलता है मटेरियल रिमूवल रेट इन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना, ये ए आई डिवाइडेड बाय रो एफ जेड भैया, ये चीज याद रखना। किसके लिए, जब भी आपका जो एनोड है भैया, एनोड आपका क्या होना चाहिए, मतलब आपका जो वर्कपीस है कैसा होना चाहिए, जब ये प्योर मटेरियल हो कि किसी में कोई भी अलॉयिंग एलिमेंट इसमें ना हो, अगर मैं आयरन बोलूं तो प्योर आयरन हो, मैं कॉपर बोलूं तो प्योर कॉपर हो, मैं निकेल बोलूं तो प्योर निकेल हो ओके। इसके लिए ओके, ये कहां पे है, ये नहीं यहां पे मनीष कुमार, ये कहां पे, यहां पे रो एफ जेड ओके, ए ग्राम एटॉमिक वेट, आई करंट डेंसिटी, रो एफ तुम्हारा फैराडे का कांस्टेंट और जेड तुम्हारी वैलेंसी, जो भी आप मटेरियल डिसॉल्व करने वाले हो एनोड मटेरियल ओके। सो भैया ये इंपॉर्टेंट चीज, अब देखो यहाँ पे दूसरी एक चीज हो जाती है ये कि आपका अगर एनोड मटेरियल क्या हो रहे भैया, एलॉय से बना हुआ हो
ओके एलॉय हो, तब जाके क्या वो फॉर्मूला यूज करना है? नहीं भाई, पूरा अलग फॉर्मूला हमको मिलता है जब आपका एनोड या फिर वर्कपीस क्या बन जाता है, एलॉय का बना हुआ बन जाता है, प्योर मटेरियल नहीं रहता। तो याद रखना, उसके लिए हम सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज कैलकुलेट करते हैं, स्पेसिफिक मटेरियल रिमूवल। स्पेसिफिक मटेरियल रिमूवल भैया, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया, याद रखना। ओके, इसके लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखो पीछे जाके देखना, आईएससी बेंगलुरु का एक बढ़िया क्वेश्चन 2008 में पूछा था इसके ऊपर। ओके राइट, कि मतलब आपका प्योर मटेरियल नहीं है, जो वर्कपीस है प्योर मटेरियल नहीं है, कुछ है बाइनरी अलॉय हो या फिर कोई भी अलॉय, जैसे न्यूमोनिक अलॉय का बहुत बार एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मिलता है गोशन मलिक जैसे बुक में। ओके सो ऐसा अलॉय है राइट। सो चलो ये स्पेसिफिक मटेरियल रिमूवल कैसे लिखते हैं भैया, ये होता है क्यू डैश। देखो स्पेसिफिक मटेरियल रिमूवल की जो जिसका यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब पर एम्पियर पर सेकेंड, इसका यूनिट याद रखना भैया। ओके ये स्पेसिफिक मटेरियल रिमूवल है, दैट इज मटेरियल रिमूवल पर यूनिट ऑफ करंट। ओके पर यूनिट ऑफ एम्पियरेज राइट। तो इसके लिए हमको अब जो क्यू मिलेगा वो रहेगा, इस क्यू डैश को अगर मैंने करंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे को मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो भैया याद रखना, सो एलॉय का अगर मटेरियल रिमूवल निकालना है तो स्पेसिफिक मटेरियल रिमूवल क्यू डैश से देते हैं। और क्यू डैश कैसे निकलता है भैया, ये फॉर्मूला याद रखना, क्यू डैश में डायरेक्ट सिंप्लीफाइड फॉर्मूला करके दिखाता हूं आपको मैं, दैट इज 0.1035 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय इस डेंसिटी, किसकी डेंसिटी ऑफ दिस एलॉय जो भी आपके पास है, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन समेशन ऑफ आई रेंजिंग फ्रॉम 1 टू एन, इट इज ए आई जेड आई डिवाइडेड बाय एक्स आई। ये याद रखना चीज, ये क्या है भैया, ए आई जेड आई बाय एक्स आई या फिर ए आई जेड आई बाय एक्स आई, सही है अंकित परविंदर, एक्स आई जेड आई भैया, ये क्या है यहाँ पे, ये है एक्स आई जेड आई, याद रखना ये है भैया, परसेंटेज ऊपर आता है कितना कॉम्पोजिशन है, दैट इज एक्स आई जेड आई डिवाइडेड बाय ए आई, ये तुम्हारा है भैया फॉर्मूला। ये किसमें आता है, ये जो यूनिट आता है सेंटीमीटर क्यूब पर एम्पियर सेकेंड्स में, ये आता है क्यू डैश। ओके सो ये फॉर्मूला है स्पेसिफिक मटेरियल रिमूवल का। अगर आपको फाइनली मटेरियल रिमूवल इन सेंटीमीटर क्यूब सेकंड में चाहे तो क्या करना पड़ेगा, क्यू डैश से मुझे आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस यही भैया, यही फॉर्मूलीज इनफ है किसके लिए, ईसीएम के लिए। लेकिन आगे जाके कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलीज भी है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जैसे कि इक्विलिब्रियम गैप। ओके मतलब आपका जो वर्कपीस है और जो आपका टूल जो है उसके बीच में जो गैप है वो कांस्टेंट, अगर फीड मोशन से चला, ओके कभी भी वो गैप इंक्रीज नहीं हुआ या फिर डिक्रीज नहीं हुआ, वो कांस्टेंट रहा, तो उसे कहते हैं कि भैया टूल वर्कपीस के साथ इक्विलिब्रियम में है, और इस टूल में और इस भैया वर्कपीस में ये वाई जो है वो कितना है, दैट इज ये जो गैप है इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम गैप। 10^-2 है, 10^-2 दैट इज करेक्ट, 0.1035 इंटू 10^-2, ये बहुत ही करेक्ट है परविंदर, नो एनी मिस्टेक देयर। सो ये वाई जो होता है इक्विलिब्रियम गैप जो होता है भैया, आपने ये जो फीड रेट दिया है कि जिस फीड रेट की वजह से टूल एंड वर्कपीस हमेशा इक्विलिब्रियम में है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये फीड आपको दी रहेगी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड में, फीड आपको दी रहेगी, तो भैया के इंटू ए इंटू ब्रैकेट वी माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय रो एफ जेड इनटू दिस फीड, ये आपको इक्विलिब्रियम गैप मिलता है। इक्विलिब्रियम गैप कैसे कैलकुलेट करते हैं, जहां पे के क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये कंडक्टिविटी है ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में, ए आपको पता है ग्राम एटॉमिक वेट है, याद रखना भैया, वी जो है आपका क्या है, सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाइड वोल्टेज है, और डेल्टा वी कभी कभी आपको दे देते हैं भैया ओवर वोल्टेज कितना है, अगर नहीं दिया तो जीरो मानने का, ओके दिया तो ये यहाँ पे यूज करने का ओवर वोल्टेज। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ दी एनोड आपको पता है, यफ फैराडे का कांस्टेंट, जेड वैलेंसी, एंड यफ जो है भैया ये फीड रेट है, यफ जो है फीड वेलोसिटी बोलो या फिर इसको फीड रेट बोलो, ओके या फिर इसको आप मटेरियल रिमूवल रेट पर यूनिट ऑफ वेलोसिटी बोलो, दैट इज स्पेसिफिक मटेरियल रिमूवल बोलो, दैट इज एमएम क्यूब पर से मीटर मिलीमीटर पर सेकेंड और एमएम पर सेकेंड, जो भी आप उसको बोलना चाहते हैं। ओके राइट, सो ये है इक्विलिब्रियम गैप, ये है इक्विलिब्रियम गैप। कभी कभी आपको ये फीड रेट पूछ देते हो, तो फीड रेट पूछे तो क्या होगा भैया,
फिर रेट अगर पूछी तो होगा ये यफ यहाँ पे चला आएगा और यहाँ पे आपका इक्वेशन बनेगा के इंटू एन टू वी माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय रो यफ जेड इंटू दिस वाई। चलो भैया अगर ये हो गया तो जल्दी से आ जाओ, अच्छा सा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपको करेंगे यहाँ पे सॉल्व, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बूस्ट होगा। देखो यहाँ पे ये एलॉय दिया है, एलॉय दिया है, ये कोई प्योर मटेरियल नहीं दिया, ये प्योर मटेरियल नहीं दिया। देखो कितने सारे चीजें इसके अंदर है, निकेल है, क्रोमियम है, आयरन है, टाइटेनियम, सिलिकॉन, मैंगनीज, कॉपर, जिसका वेट परसेंट यहाँ पे दिया है भैया, ये परसेंटेज है। निकेल 72.5% है, क्रोमियम 19.5% है, आयरन है 5%, टाइटेनियम 0.4%, सिलिकॉन मैंगनीज 1-1% एंड कॉपर 0.6% है। करंट कितना दिया भैया, 1500 एम्पेयर जितना करंट दिया है, और भैया पूछा है कि इसका मटेरियल रिमूवल रेट इन सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट में कितना होगा। ओके सो यहाँ पे देखो चार्ट आपको दे दिया है, डेफिनेटली आपको जो भी इंफॉर्मेशन लगेगी ग्राम एटॉमिक वेट के लिए, वैलेंसी के लिए या फिर डेंसिटी के लिए सब दे देंगे। ओके यहाँ पे ये टेबल दिया है आपको, यहां से आपको वैल्यूज यहां से लेके कैलकुलेशन करना है। चलो भैया सबसे पहले क्या है, डेंसिटी दी है क्या इस निमोनिक मटेरियल की, निमोनिक अलॉय की, निमोनिक 75 अलॉय की डेंसिटी दी है, नहीं दी। तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे डेंसिटी, चलो डेंसिटी के बारे में बात करें। सो डेंसिटी जो निकलती है अलॉय की वो होती है 100 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय रो आई, जिसने आई से फ्रॉम 1 to n। ओके दो मटेरियल है, दो अलॉयिंग एलिमेंट है, चार है, पांच है, सबका क्या करना है आपको, समेशन लेना है। ओके सो यहां पे निकालते हैं, सबसे पहले समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय रो आई निकालो। चलो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, देखो निकेल है, निकेल कितना है 72.5% डिवाइडेड बाय, निकेल की डेंसिटी कितनी है 8.9। चलो फिर यहां पे लिखो सबसे पहले 72.5 डिवाइडेड बाय 8.9 प्लस, क्योंकि कितने सारे अलॉयिंग एलिमेंट्स है उसकी कंबाइन हम ये एक्स आई डिवाइडेड बाय रो आई रेशियो निकालेंगे। चलो उसके बाद कौन है, क्रोमियम 19.5% है, क्रोमियम की यहाँ पे डेंसिटी देखो 7.19, दैट इज यहाँ पे लिखा मैंने इसका वेट परसेंट 19.5 डिवाइडेड बाय 7.19। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कौन है, आयरन है 5%, आयरन है 5%, 5% आयरन है डिवाइडेड बाय डेंसिटी आपके आयरन की पता है 7.86, वेरी स्टैंडर्ड वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 7.86। ओके देखो चलो जल्दी से करो, ऐसे ही आपको जितने भी अलॉयिंग एलिमेंट है देखो, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, टाइटेनियम का ऐड कर दो, सिलिकॉन का ऐड कर दो, मैंगनीज का ऐड कर दो, क्रोपर का ऐड कर दो, उसके रिलेटेड वैल्यू आपकी यहाँ पे है डेंसिटीज, टाइटेनियम 4.51 ग्राम्स पर सीसी, सिलिकॉन 2.33, मैंगनीज 7.43, कॉपर 8.96। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सीधा 0.4 डिवाइडेड बाय 4.51 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2.33 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7.43 प्लस 0.6 जो कॉपर की डेंसिटी 8. कितनी है भैया 96, 8.96। चलो बताओ ये वैल्यू कितनी आई, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय रो आई कितनी आई, जल्दी से बता दो, कैलकुलेशन होना चाहिए, कैलकुलेशन होना चाहिए, जल्दी से बताओ। चलो 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 आ जाओ कैलकुलेशन करो भैया, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से। अगर मैं ये समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय रो आई निकालता हूं तो ये मेरा देखो वैल्यू आ रहा है 12.21। चेक करो चेक करो, अब 12.21 को यहां पे मैंने लिख दिया, 12.21 को जल्दी से करो भैया, हमको सीखना है पूरा ये। ओके दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 12.21 निकालो तो मेरी एलॉय की डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ एलॉय ये मेरी आ रही देखो 8.18 ग्राम्स पर सीसी। भैया चेक करो, मतलब पहला काम मैंने कर दिया, डेंसिटी निकाल दी, मतलब ये जो पूरा एलॉय जो है इसकी डेंसिटी है 8.18 ग्राम्स पर सीसी, भैया ये मुझे पता चल गया। गेट में बोलोगे सर पूछेंगे क्या, अरे भैया इतने नहीं देंगे तो कम से कम बाइनरी एलॉय देंगे या फिर टर्शरी एक या दो, दो या तीन, लेकिन बनाने के लिए तो क्वेश्चन बना सकते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके डायरेक्ट ये डेंसिटी है, आपको आसान कर देंगे काम, डेंसिटी आपको दे देंगे। ओके अब जो बाकी चीजें है देखो भैया, अब बाकी क्या चीजें हैं, फॉर्मूला क्या है क्यू डैश का, क्यू डैश इज इक्वल टू व्हाट इज क्यू डैश, दैट इज 0.1035 इंटू 10^-2 डिवाइडेड बाय रो ऑफ एलॉय इंटू 1 अपॉन समेशन ऑफ एक्स आई जेड आई डिवाइडेड बाय ए आई। चलो अब ये निकाल दो वैल्यू, समेशन ऑफ एक्स आई जेड आई डिवाइडेड बाय ए आई, ये तो हमने निकाल दी डेंसिटी, निकाल दी हमने 8.18 ग्राम्स पर सीसी की डेंसिटी आई। चलो जल्दी से करो जल्दी से करो जल्दी से करो, आपके पास ये रहे सब चीजें। देखो शांति से जब सेशन हो जाए तो बैठ के आप
लिख सकते हो एक्स आई जेड आई बाई ए आई। मैंने कैसे निकाला, एक्स आई देखो एक्स की वैल्यू है परसेंटेज ऑफ वेट जो है यहां से लिया, अब डिवाइडेड बाय एक्स आई जेड आई, जेड यहाँ पे है वैलेंसी, वैलेंसी सब में जो पता है यहाँ पे, ओके डिवाइडेड बाय ए आई ग्राम एटोमिक वेट देखो यहाँ पे दिए है, बस मैं यही है यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, दैट इज 72.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 58.71 प्लस 19.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 51.99 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 55.85 प्लस 0.4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 47.9 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 28.09 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 54.94 प्लस 0.6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 63.57। मैंने सब चीजें लिख दी है अच्छे से लिख दी है, बहुत बढ़िया सौरभ। ओके सो ये जो समेशन ऑफ एक्स आई जेड आई बाई ए आई जो आ रहा है भैया, देखो ये कितना आता है मेरा 3.61, समेशन ऑफ एक्स आई जेड आई डिवाइडेड बाई ए आई की वैल्यू है। ओके 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 परविंदर, ये कितना आ रहा है देखो मेरा, ये जो आ रहा है 3.61 जितना आ रहा है, चेक करो। अब ये वैल्यू मुझे मिल गई तो मुझे क्यू डैश क्या है, दैट इज 0.1035 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी आ दिया मेरी 8.18 इंटू 1 अपॉन समेशन ऑफ एक्स आई जेड आई डिवाइडेड बाय ए आई कितना आ रहा है 3.61। देखो ये मेरी वैल्यू आ रही है सेंटीमीटर क्यूब पर एम्पियर सेकंड। देखो ये क्यू डैश चेक करो कितना आ रहा है, यस जल्दी से बताओ, वेरी गुड परविंदर, वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलो जल्दी से ये क्यू डैश की वैल्यू कितने आ दे रही, देखो ये क्यू डैश अगर मैं ये सब वैल्यू डाल के अगर देखता हूं तो मेरा क्यू डैश जो आ रहा है, देखो Q डैश जो आ रहा है 3.50188 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब पर एम्पियर क्यूब पर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड। ओके सो मुझे क्या चाहिए, Q चाहिए, तो Q क्या आएगा, Q डैश इंटू इसको करंट से मल्टीप्लाई कर दू, दैट इज 3.50188 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू करंट कितना बोला है भैया, करंट कितना पास कर रहे हैं हम सर्किट में से, देखो 1500 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 1500 कर दो। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, अब ये जो आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा, तो चलो इसको मिनट में कर देते हैं, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, सो 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तुरंत, मतलब करंट है 1500 मल्टीप्लाई बाय जो मिनट है, एक मिनट में 60 सेकंड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट में भैया। देखो चेक करो और कितना आ रहा है, चेक करो कितना आ रहा है आंसर 3.15 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, बहुत ही बढ़िया भैया, देखो चेक करो बहुत बढ़िया, देखो यहाँ क्या दिया आंसर 3.15, यस ऑप्शन सी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ईसीएम में इससे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल पे जाने का मौका ही नहीं उनको, राइट याद रखना, लेकिन यही प्रैक्टिस थोड़े करो क्वेश्चंस, ओके तो डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो डरने की बात ही नहीं, हमको पता है क्या करना है भाई, फॉर्मूलेस पता है, प्रोसीजर पता है, राइट बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 3.15 सी चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। देखो ये क्वेश्चन है, कभी कभी दो मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको मटेरियल रिमूवल रेट दिया है, क्यू आपको दिया है 10 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट में, लेकिन भैया मैंने क्या बोला सीजीएस सिस्टम यूज करने का हमेशा, तो मतलब ये क्या हुआ 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में करना है तो क्या करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय एक मिनट में अंदर 60 सेकंड, सो 60 से डिवाइड किया, ओके ये रहा मेरा क्यू, वैलेंसी दी है 2 ग्राम एटोमिक वेट दिया 56 और डेंसिटी आप मटेरियल की दी है 7.8। तो चलो भैया कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताइए प्योर मटेरियल है आयरन के लिए पूछा है, आपको बताइए क्यू क्या होता है ए आई डिवाइडेड बाय रो एफ जेड, भैया क्यू कितना दिया मैंने, क्यू दिया है 10/60 इज इक्वल टू ग्राम एटोमिक वेट कितना दिया है 56, करंट बोला है ढूंढो भैया करंट कितना है, ये 7.8 दिया है डेंसिटी, ओके वैलेंसी दी है 2 फैराडे का कांस्टेंट है 96500 मल्टीप्लाई बाय 2, भैया जल्दी से बताओ करंट कितना आएगा एम्पियर में, करंट कितना आएगा एम्पियर में, चलो भैया परविंदर का आंसर आ गया जल्दी से भैया चैट बॉक्स में,
आप मुझे आप वहां पे वैल्यूज बताओ। ओके, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि कितने आप इसमें घुस गए हो सेशन में। कैलकुलेटर हमेशा आपके साथ होना चाहिए अपने इस सेशंस में। यस, बहुत ही बढ़िया। देखो कौन सा ऑप्शन है, बी बॉम्बे। बी बॉम्बे बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन भैया। देखो समझ में आ रहा है, मतलब ईसीएम प्रोसेस आ रही है, ईसीएम प्रोसेस आ रही है। नाइस नाइस नाइस, 4480, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। हाँ, जो मैंने बोला था इक्विलिब्रियम गैप का मैंने फॉर्मूला आपको दिया था, इसके ऊपर भी भाई क्वेश्चन आते हैं, इक्विलिब्रियम गैप के ऊपर। इक्विलिब्रियम गैप, राज बहुत बढ़िया, राज, ऋषभ बहुत बढ़िया, अनुराग बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ मुझे। फीड रेट दिया है, देखो सामने ही अटैक करो, एमएम पर मिनट भैया, नहीं सीजीएस, सीजीएस, सीजीएस जिंदाबाद है। फीड रेट कितना बोलोगे, 1 mm है, सेंटीमीटर में कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय 60, 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड, तो ये हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही तो चाहिए था मुझे, मिल गया। अब क्या भैया, अप्लाइड वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट का, जो ओवर वोल्टेज दिया है वो है 1.5 वोल्ट का, इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी दी है K.2 ओहम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, सीजीएस फॉलो किया है, बहुत बढ़िया। ग्राम एटॉमिक वेट दिया है 55.85, डेंसिटी दी है 7.86, जेड भी दिया है 2। तो चलो निकालो, ये 2 मार्क का क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। आपको पता ही है वाई इक्विलिब्रियम जो गैप होता है, जब फीड रेट 0 हो जाता है, सॉरी गैप हमेशा जब मेंटेन होता है, तब ये दो टूल एंड वर्कपीस इक्विलिब्रियम में होते हैं, कि जो किससे फाउंड आउट करते हैं, KA(V-ΔV) डिवाइडेड बाय ρf/Zf। भाई साहब के कितना दिया है बताओ, के 0.2 0.2, ग्राम एटॉमिक वेट 55.85 इंटू वोल्टेज 12, सप्लाइड वोल्टेज 12, ओवर वोल्टेज 1.5 वोल्ट, डिवाइडेड बाय डेंसिटी 7.86, फैराडे का कांस्टेंट 96500, मल्टीप्लाई वैलेंस 2 इंटू फील्ड रेट जो हमने देखा कितना था, 0.1 डिवाइडेड बाय 60, जितना बताओ ये आंसर आएगा अपना सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में आएगा भैया, सेंटीमीटर में। सौरभ चेक द आंसर, परविंदर शायद मुझे लग रहा है सही है, 0.046 जितना। चेक करना भैया, चेक करो चेक करो, 0.0 चेक करो, 0.046 है या 0.046। देखो यूनिट में बहुत कंफ्यूजन करके रखा है, यहाँ पे यूनिट में बहुत कंफ्यूजन करके रख दिया इन्होंने। 0.40 सेंटीमीटर है, नहीं है, 0.04 मिलीमीटर है, नहीं है, 0.046 सेंटीमीटर है। अरे भैया चेक करना यहाँ पे, देखो मतलब इतना अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, लेकिन लास्ट स्टेप में अगर गड़बड़ घोटाला हो गया तो ये गए मार्क। हाँ भैया देखो यही तो है, क्या है, फिर चेन्नई जाएंगे, जाएंगे चेन्नई, चेन्नई जाएंगे क्या, परविंदर, ऋषभ, अंकित, आ रहा है सी चेन्नई, सी चेन्नई आ रहा है, 0.046। देखो भाई देखो, 0.06, देखो देखो माही मार रहा है, 0.046, राइट, बहुत बढ़िया। सी आई होप सी चेन्नई, बहुत ही सही क्वेश्चन है ये, और उसका आंसर भी बहुत सही, सी चेन्नई 0.046, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया। सुशील सुशील बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो मजा आ रहा है मजा आ रहा है। आई होप क्वेश्चंस हो रहे बन रहे। चलो चलो बताओ, विच वन ऑफ द प्रोसेस कंडीशन लीड्स टू द हायर मटेरियल रिमूवल रेट इन द ईसीएम। ईसीएम में अगर मटेरियल रिमूवल आपको बढ़ाना है तो भैया क्या करोगे इसमें से, बोलो बोलो, कौन है वो, कौन है वो ऑप्शन की जो सही है, सही है। मैं पढ़ूंगा नहीं, आप बताओ मुझे, हायर करंट, लार्ज एटॉमिक वेट, हायर वैलेंसी, हायर करंट, यहाँ पे कॉमा जरूरी है भैया, लोअर एटॉमिक वेट, लोअर वैलेंसी, हायर वैलेंसी, लोअर एटॉमिक वेट। अरे भैया बहुत ही सिंपल है, मटेरियल रिमूवल होता है रेट ए आई डिवाइडेड बाय रो एफ जेड, मतलब जो न्यूमरेटर में चीजें हो तो बढ़ाएंगे ही अगर बढ़ाना है, और अगर डिनोमिनेटर की चीजें दी है तो उसको घटाएंगे, राइट। सो करंट बढ़ाएंगे, हाँ बढ़ाएंगे, एटॉमिक वेट बढ़ाएंगे, हाँ बढ़ाएंगे,
बढ़ाएंगे, मतलब ऐसे अगर मटेरियल के साथ मैंने रिलेट किया ईसीएम का हमारा तो बढ़ जाएगा। यस ए अहमदाबाद, देखो चेन्नई से सीधा अहमदाबाद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ए अहमदाबाद इज द करेक्ट 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 आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये क्या दिया है भैया, देखो ये दिया है हमको क्यू डैश, ये क्यू नहीं दिया, क्यू डैश दिया है, स्पेसिफिक रिमोल दिया है। हाँ, पर यूनिट ऑफ एम्पियर, पर यूनिट ऑफ सेकेंड, ओके। हाँ अब चीजें क्या है, पूछा है कि करंट कितना लगेगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। टोटल टाइम दिया है आपको, जो टाइम लगने वाला दिया है वो है 2 मिनट का, ओके। क्यू डैश आपको दिया है 3.44 × 10⁻²⁰ पर एम्पियर पर सेकेंड। तो भैया क्यू क्या होगा, हमको तो पता है, हम करंट से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तभी जाके ये क्या होगा, मटेरियल रिमोल रेट होगा इन mm³ या फिर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में, है ना। सो चलो निकालो, ये में आया 3.44 × 10⁻², इंटू मैंने करंट से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा mm³ पर सेकेंड में, जो वहां पे दिया है वैसा, ओके। अब बताओ भैया, आपको तो पता है कि टोटल जो टाइम लगता है वो कैसे निकलता है रे भैया, आपकी कितनी वॉल्यूम आप रिमूव करना चाहते हो मटेरियल से डिवाइडेड बाय किस रेट से निकालोगे, दैट इज वॉल्यूम पर यूनिट ऑफ टाइम, ओके। अरे हाँ है ना, दैट इज ये आपका क्या है, एम आर आर है, दैट इज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एम आर आर, मटेरियल रिमूवल रेट। देखो ये है mm³ में भैया, और ये दिया है mm³ पर मिनट में, सो ये mm³ इन्हें कट जाएगा, ऊपर आएगा मिनट। हाँ तो सही है, कितने मिनट दिए हैं, 2 मिनट दिए हैं, ओके। वॉल्यूम कितनी रिमूव करनी है भैया, देखो वॉल्यूम एरिया है 10 बाय 30 का और डेप्थ है 12 की, मतलब कितनी वॉल्यूम निकालोगे इस प्लेट से, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है 10 बाय 30 का और जो डेप्थ है होल की, जो स्क्वायर होल आप निकाल रहे हो, रेक्टेंगुलर होल जो निकाल रहे हो 12, मतलब 300 × 12 ये हो गया 3600 mm³ जितना आप रिमूवल करोगे मटेरियल से, तो हो गया भाई। और क्या चाहिए, यहाँ पे वॉल्यूम आ गई 3600, और क्यू कितना हमने निकाला था, क्यू हमने निकाला था 3.44 × 10⁻², सही बात है कि नहीं। और इससे इफिशियंसी दिए, इफिशियंसी को मत भूलना, इफिशियंसी हमेशा करंट को मल्टीप्लाई होती है, इफिशियंसी हमेशा करंट को मल्टीप्लाई होती है, ये चीज याद रखना, जब भी इफिशियंसी दी जाए सो ये हमारा क्यू जो होगा ए आई, मतलब यहाँ पे इफिशियंसी आई को मल्टीप्लाई करने की डिवाइडेड बाय रो एफ से, ये करंट फ्लोइंग की इफिशियंसी होती है, याद रखना, ओके। अब यहाँ पे एक दूसरी बात कि भैया हमको जो फॉर्मूला पता है वो mm³ पर मिनट का है, और यहाँ पे जो पूरा अकम्प्लिश करने के लिए जो टाइम दिया है वो 2 मिनट का है, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे ये सेकेंड्स को किसमें कन्वर्ट करना पड़े, mm³ पर मिनट में करना होगा, तो इसे मुझे मल्टीप्लाई बाय 60 से। यस देखो भाई, हमारा मकसद ये है मोहम्मद, मोहम्मद हमारा मकसद ही यही है कि हम आपको 50 या उसके ऊपर तक मैक्सिमम ले जाए, हम ये नहीं कह रहे इसमें कि भैया 80+ लाके दिखाएंगे आपको पाल, नहीं भाई ये तो चीज हो ही नहीं सकती, तो जो भाई एक एक साल से 1.5 साल से पढ़ रहे उनके साथ अन्याय हो जाएगा ये, राइट। तो नहीं, ये हमारा मतलब आगे के 3 महीने और ये कोर्स, हमारी फैकल्टीज आपको ऐसे तरीके से गाइड करेंगी कि भाई एटलीस्ट आप उस लेवल तक जाओ, राइट, यही हमारी उम्मीद है, हम ज्यादा नहीं बोलते, राइट। तो चलो भैया ये मिनट में करने करना पड़ेगा, mm³ पर मिनट में, मतलब ये 3.44 × 10⁻², यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये 3.44 × 10⁻², इंटू आई इंटू मुझे 60 करना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा क्यू 206.4 × 10⁻², इंटू आई, इसको मल्टी इफिशियंसी भी मल्टीप्लाई कर दो 0.90, ये तुम्हारा आएगा क्यू, कितना आया क्यू, कितना आया क्यू, कितना आया क्यू, दिस 90% ही है ना इफिशियंसी, 90% है। चलो बताओ, दैट इज 206.4 × e²⁻², इंटू 0.90, दैट इज हाउ मच, 1.8576 आई,
तो चलो निकालो यहाँ पे जल्दी से। अब फॉर्मूला क्या है मिनट का? सो टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय MRR, दैट इज 2 इज इक्वल टू वॉल्यूम कितनी है 3600 है डिवाइडेड बाय कितना है ये कितना आया था फाइनल 1.8576 आई। चलो बताओ आई की वैल्यू कितनी आई? सो मल्टीप्लाई बाय 2, 3600 भाग्या आंसर 968.9, 968.9, ओके दैट इज 969 एम्पियर भैया, ये रहा आंसर। ओके 969, वेरी गुड। परविंदर ने बोला था 872, सबसे पहले परविंदर नेगेटिव में गया, 862 भैया नेगेटिव में गया। अब चलो ईसीएम, ईसीएम देखो ईसीएम भाई पढ़ लिया हमने, यस 968.9, 969 जो भी है, मतलब एम्प देखो इफिशियंसी से आपने मल्टीप्लाई नहीं किया था। ओके सो वेलकम मोहम्मद, वेलकम वेलकम टू द बायजूस, डेफिनेटली आओ आपको। ओके ये तो झांकी है, मतलब क्या है, पिक्चर तो अभी बहुत बाकी है, अगर थर्ड ईयर में हो तो पिक्चर बहुत बाकी है मेरे दोस्त, राइट। सो चलो ईडीएम का काम करते तमाम, ईडीएम का काम करते तमाम, ईडीएम इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग जो पता है आपको, ये जो इरोजन होगा मटेरियल थ्रू द सीरीज ऑफ कंट्रोल्ड स्पार्क्स, ओके ये है ईडीएम। देव मैकेनिक्स में नहीं जाता, मैकेनिज्म इसका है मेल्ट करता है मटेरियल को स्पार्क और इवोपरेट कर देता है। पूरा का पूरा सेटअप देखोगे तो वो डाइलेक्ट्रिक फ्लूड में रहता है। देखो तो टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस और टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द प्रोसेस, ये जो है जो पूरा जो प्रोसेस होता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, जनरली जो यूज करने वाला डाइलेक्ट्रिक है वो केरोसिन होता है, बाकी के भी होते हैं लेकिन मोस्ट इफेक्टिव वे में हम केरोसिन को इस्तेमाल करते हैं एज ए डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड। ओके सो फिर यही है ये जो टूल है इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड मतलब एक टूल दूसरा वर्कपीस, यहाँ पे टिप ऑफ द वर्क टूल पे क्या आएगा स्पार्क आएगा और वो स्पार्क मटेरियल को मेल्ट करेगा और बाद में वो वेपोराइज होगा। सो ये इसका बेसिक मैकेनिज्म। देखो मैं वो सर्किट रिलैक्सेशन सर्किट में डायरेक्टली नहीं जाना चाहता, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ फॉर्मुलीज। ओके नो डाउट रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस रिलैक्सेशन सर्किट हम यहाँ पे यूज करते हैं। ओके डिस्टिल वाटर, डायरेक्ट वाटर कर दिया तो भैया वो करोड़ करोड़ कर देगा मटेरियल को पूरे सेटअप को, इसलिए जनरली वाटर डायरेक्टली नहीं यूज करते। ओके सो ईडीएम प्रोसेस इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस, ये थर्मल प्रोसेस है भैया, इलेक्ट्रो थर्मल प्रोसेस है, मतलब मटेरियल आपका जो वो थर्मली कंडक्टिव होना चाहिए, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। ईसीएम का लिमिटेशन बोले तो वहां पे मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होना चाहिए, वो उसका लिमिटेशन है किसका, ईसीएम का। तो चलो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं सप्लाइड वोल्टेज मेरा वी है तो एक एक क्रिटिकल वोल्टेज या फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज आता है कि जहां पे कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चालू हो जाते, यहाँ पे आरएलसी सर्किट होता है। देखो ये आपका रहा सोर्स वोल्टेज अगर मैं बोलूँ वीओ, और ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है आर, और ये आपका वेरिएबल कैपेसिटेंस है सी, ओके वैरिड कैपेसिटेंस है सी। सो देखो यहाँ पे जो आपका टूल एंड वर्कपीस के बीच में जो गैप है, ये टूल एंड वर्कपीस, ओके सो एट दिस गैप जनरली जो वोल्टेज होता है वो जितना कैपेसिटर के अक्रॉस है, वैरिड कैपेसिटर के अक्रॉस है उतना ही होता है। ओके और मैक्सिमम टाइम जो होता है इस पर्टिकुलर साइकिल की बात करूं ईडीएम में, तो मैक्सिमम टाइम पे जो कैपेसिटर बैंक होती है वो चार्ज ही होती रहती है। ओके और एक जब वोल्टेज ऐसा आता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऐसा आता है कि जहां पे गैप यूज किया हुआ इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही ऑप्टिमम वे में आपने सब चीजें की है, तो उस पर्टिकुलर वोल्टेज में आपका जो ये जो आपके कैपेसिटर्स है वो डिस्चार्ज होना चालू हो जाते हैं, जहां पे पैदा होता है स्पार्क, तब पैदा होता है स्पार्क। और ये डिस्चार्ज जो वोल्टेज है भैया ये सही है 0. या फिर 72 टाइम्स ऑफ आवर सोर्स वोल्टेज होता है, ये सब चीजें बहुत है, जब ये पढ़ेंगे बहुत डिटेल में तो बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है। ओके हाँ तो लेकिन जो बेसिक चीज है कि भैया ये जो वीओ आपका सोर्स वोल्टेज है, वीडी आपका डिस्चार्ज वोल्टेज है याद रखना, और पूरी की पूरी जो टाइम साइकिल टाइम जो है वो चार्जिंग टाइम प्लस आपका स्पार्किंग टाइम होता है, लेकिन स्पार्किंग टाइम बहुत बहुत कम होता है। अगर मैं बात करूं वो जनरली 10% ऑफ द चार्जिंग टाइम होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम में जैसे बोला था कैपेसिटर बैंक चार्ज ही होती रहती है। सो ये जो चार्जिंग टाइम है भैया बहुत इंपॉर्टेंट टाइम, ये जो चार्जिंग टाइम होता है इट इज इक्वल टू व्हाट आर इंटू सी इंटू एल एन ऑफ सोर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय सोर्स वोल्टेज माइनस डिस्चार्ज वोल्टेज। भैया क्या क्यों कैसे ये मत पूछना अभी, ये फॉर्मूला याद रखना, ये आर क्या है कैपेसिटेंस है
सॉरी आर तुम्हारा सॉरी रेजिस्टेंस है ओहम में, और सी जो है तुम्हारा कैपेसिटेंस है फैरेड में भैया। ओके ये चीज याद रखना, आर रेजिस्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है, वीओ आपका सोर्स वोल्टेज है और वीडी आपका डिस्चार्ज वोल्टेज है, ये है आपका चार्जिंग टाइम। ओके और फ्रीक्वेंसी चाहिए तो 1/2 चार्जिंग टाइम आपको न्यू मिल जाएगा, लेकिन उसकी कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि भैया एनर्जी कितनी रिलीज की स्पार्क में, हर एक स्पार्क के पीछे कितनी एनर्जी रिलीज हुई वहां पे। सो जो एनर्जी रिलीज पर स्पार्क है ये दी जाती है हाफ इंटू सी इंटू वी डी स्क्वायर, वेर सी आपका कैपेसिटेंस है और वीडी आपका डिस्चार्ज वोल्टेज है भैया। ओके ये एनर्जी आपकी जूल्स में मिल गई, डिस्चार्ज वोल्टेज एनर्जी किस में मिली आपको, जूल्स में मिली। अब जाके क्या करना है, आप निकालनी है पावर। पावर तो आपको पता है एनर्जी पर यूनिट ऑफ टाइम हो तो कहलाएगी पावर। सो भैया ये एनर्जी पर यूनिट ऑफ टाइम, और टाइम हमने मेजर टाइम लिया है बाय डिफॉल्ट से, चार्जिंग टाइम में लेके काम कर रहा हूं। सो एनर्जी पर यूनिट ऑफ टाइम ये आपकी चार्जिंग टाइम, ये आपकी हो गई पावर विच इज इन वॉट। अब क्या करना है भैया, इसको किलो वॉट में कन्वर्ट कर देने का, याद रखना है हमेशा पावर को ईडीएम में किलो वॉट में लेने का, क्योंकि जब भी आपको मटेरियल रिमूवल रेट पूछते हैं तो वो जो एम्पिरिकल रिलेशन है 27.4 इनटू जो पावर रेस टू 1.54 जो है, सो ये पावर यहाँ पे लेते हैं भैया किलोवाट में, तो 27.4 इनटू किलोवाट टू द पावर 1.54, और ये जो एमआरआर आता है एमएम क्यूब पर मिनट में आता है। ओके बात समझे ये है आपका मटेरियल। कभी कभी आपके पास मेल्टिंग टेम्परेचर है मटेरियल का, ओके से थीटा डिग्री सेंटीग्रेड में। सो जो ये स्पेसिफिक रिमूवल आपको मिलता है वो मिलता है 4 इंटू दिस थीटा एम टू द पावर -1.23। ओके ये आपको मिलता है एमएम क्यूब पर एम्पियर पर मिनट में। अब इसको ही क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो करंट से, Q डैश आपको मिलेगा Q इन mm क्यूब पर मिनट में। ओके भैया सो ये सब चीजें है थोड़ी सी याद रखनी है हमको, किसके लिए, ईडीएम प्रोसेस के लिए, बाकी इसमें ज्यादा कुछ फॉर्मूलीज नहीं है, बस इतना भी आपको अगर पता है सो ये आपके लिए ओके 2 मार्क का न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करके देगा। चलो एक न्यूमेरिकल लेते हैं, देखो आ गया न्यूमेरिकल। ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ड्रिल कर रहे 10 mm स्क्वायर का, हाँ ये जो मेल्टिंग टेम्परेचर मैंने बोला तो सही, ये डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, याद रखना ये इंपेरिकल रिलेशन है, वन मोर इंपेरिकल रिलेशन इन द ईडीएम प्रोसेस, जबकि आपके पास मेल्टिंग टेम्परेचर अवेलेबल हो। ये जो मैंने रिलेशन बताया कब यूज करने का, 27.4 का, जब आपके पास पावर अवेलेबल हो। ओके आपके पास पावर किलोवाट में और यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में, भैया ये 2 चीजें याद रखना, बस यही है। देखो प्लेट है 5 mm थिक, ड्रिल मारा है स्क्वायर ड्रिल है 10 mm का। ओके रिलैक्सेशन सर्किट है आपके पास, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस रिलैक्सेशन। ओके जिसमें रेजिस्टेंस है 50 ओम, आपके पास कैपेसिटेंस है 10 μF का, सोर्स वोल्टेज है 2000, डिस्चार्ज वोल्टेज है 150, और पूछा है कि भैया टाइम कितना लगेगा। अगर आपको MRR कैलकुलेट करने के लिए एम्पिरिकल रिलेशन दे दिया है 27.4 इंटू वॉट डब्ल्यू नथिंग बट पावर रेस टू 1.54 इन mm क्यूब पर मिनट, चलो भैया बताओ क्या आएगा आंसर। सबसे पहले इस्तेमाल करोगे ये टीसी, आपके पास रेजिस्टेंस है कैपेसिटेंस है, दैट इज आर इंटू सी ln ऑफ वीओ डिवाइडेड बाय वीओ माइनस वीडी। चलो भैया रेजिस्टेंस कितना दिया है, रेजिस्टेंस है 50, कैपेसिटेंस है 10 μF, सो 10 × 10⁻⁶ F ln ऑफ ये है 200/200 में से घटा 150, क्योंकि ये 150 क्या है डिस्चार्ज वोल्टेज, मतलब 50 × 10 500 × 10⁻⁶ इंटू ln ऑफ 200/50 4। ओके बताओ कितनी आई चार्जिंग टाइम, 6.93 × 10⁻⁴ सेकंड आया कि नहीं बताओ चार्जिंग टाइम। चार्जिंग टाइम अगर आपका 6.93 × 10⁻⁴ सेकंड आया तो आपको क्या निकालनी है अब एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू सी इंटू वी डी स्क्वायर, हाफ कैपेसिटेंस है 10 μF, 10 × 10⁻⁶ इंटू डिस्चार्ज वोल्टेज है 150 स्क्वायर। बताओ एनर्जी कितनी आ रही है, एनर्जी आ रही मेरी 0.1125 जूल जितनी, चेक करो। चलो यस परमिंदर, यस सही है
एनर्जी मेरी इतनी आई, सो पावर निकालो कितना होगा, पावर अब होती है एनर्जी डिवाइडेड बाय टीसी जो आपने टाइम कैलकुलेट किया है। एनर्जी कितनी है 0.1125, टाइम आपके पास लगभग 7 है, 6.93 × 10⁻⁴, ये आएगी जूल में। कितनी आई एनर्जी पावर, पावर देखो भैया 162.33 वॉट आ रही है, लेकिन मैंने आपको बोला था पावर किसमें लगेगी आपको, किलोवाट में। सो पावर इन किलोवाट 0.16233 किलोवाट, बस पावर मिल गई W। तो चलो बताओ जल्दी से बताओ भैया क्या होगा यहाँ पे, Q क्या आएगा 27.4 × 10⁻¹⁴, ये आएगा mm³ पर मिनट में। भैया आ गए नजदीक है बहुत आंसर के, 27.4 किलोवाट कितना है 0.16233 × 10⁻¹⁴, बताओ कितना आया क्यू, क्यू कितना आ रहा है 1.6 इतना आ रहा है 1.67 mm³ पर मिनट, इतना रेट आ रहा है मटेरियल का रिमूवल का, चेक करो 1.67 जितना मटेरियल रिमूवल रेट आ रहा है क्या भाई, चेक करो, अगर आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। सो मतलब यहाँ पे टाइम पूछा है कि भैया ये जो होल है स्क्वायर होल 10 mm जिसकी साइड है, और जो प्लेट में जिस ये होल आप गिरा रहे हो बना रहे हो बाय द ईडीएम, इसकी थिकनेस है 5 mm। सो एरिया कितना होगा 100/ वॉल्यूम अगर चाहिए तो 5, सो वॉल्यूम जो होगी यहाँ पे कितनी मटेरियल की, वो वॉल्यूम आप रिमूव करोगे 500 mm³ की। और पूछा क्या है कि ये 500 mm निकालने के लिए, 500 mm³ की वॉल्यूम रिमूव करने के लिए कितना टाइम लगेगा भैया, तो पता है आपको 500 mm को आप रेट से डिवाइड करोगे मटेरियल रिमूवल रेट से। सो भैया 500 × 1.67, ओके। अरे भैया सेकेंड में नहीं होता, सौरव ये मिनट है, सौरव ये मिनट में है, ओके, क्योंकि ये mm³ डिवाइडेड बाय mm³ पर मिनट, पर मिनट। तो कुल या फिर लगभग मैं बोलू 300 मिनट लगते हैं, 5 घंटे वहां पे लगना पड़ेगा भैया इस रिमूवल के लिए। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखो मतलब ईसीए मीडियम, देखो प्रे करना कि क्वेश्चन आए तो इसके ऊपर आए, न्यूमेरिकल आए भाई, ये न्यूमेरिकल चाहिए हमको, गेट बोले तो गेट का दूसरा नाम न्यूमेरिकल है भाई, और प्रोडक्शन बोलो तो ज्यादा प्रोडक्शन में फॉर्मूले फॉर्मूले, और यहाँ पे इतना जैसे आप फ्लूइड या सॉम या फिर आपका थर्मल जैसे आपको फॉर्मूलेज में यूज करने में यहाँ पे दिक्कत ज्यादा नहीं आती। हाँ सो ये प्रे करो कि भैया ऐसी चीजें आए और हम आगे निकल जाए कि ये 2 mark लेके, कि जो बाकी को दिक्कत हो, बस यही तो है कंपटीशन को कम करना है, राइट। सो चलो भाई सीआईएमएस बिल्कुल बिल्कुल सही भाई, हमेशा ऐसे करना कि जितनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें करके रखोगे ना, भगवान को खुदा को ऐसे ही बोलना है भाई यही पूछो, क्योंकि वहां पे कट बहुत हो जाता है कंपटीशन। ओके वेरी गुड, सीआईएमएस में देखो मैं आपको डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला, बीएलयू कैलकुलेशन पूछते हैं कि भैया स्टेपर मोटर हो सर्वो मोटर है कि जो ड्राइव यूनिट इस्तेमाल करते हैं, न्यूमेरिकल कंट्रोल हो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल हो, देखो डायरेक्ट मुद्दे पे आ रहा हूं, ये मैं थ्योरी वेरी में कुछ नहीं बता रहा कि न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या होता है, सीएनसी क्या होता है, डीएनसी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, अडेप्टिव क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है, FMS भी आता है, FMC आता है, ग्रुप टेक्नोलॉजी आता है, उसके बाद CAD, CAM, ओके, ये फिर भैया ये कोऑर्डिनेट मेजरमेंट मशीन, ये सब चीजें आई, सब चीजें आपको आ रही है, समझ रहा हूं कि भाई उसके लिए थोड़ा रीड करना, कोई भी बुक पीएन राव हो आपके पास, नागपाल हो, जो भी हो, उसमें आपको ये इसके रिलेटेड मिल जाएगा चीजें, ये CIMS के रिलेटेड। ओके अब यहां पे बोलता हूं कि BLU भाई बेसिक लेंथ यूनिट, बेसिक लेंथ यूनिट कि एक चीज होती है कि भाई भैया जब आपको बताइए जो प्रिंसिपल होता है स्टेपर मोटर का या सर्वो मोटर का, पल्स ऑफ एसी सप्लाई से ये काम करती है, मतलब वो एक पल्स प्रोड्यूस करेगी तो आपका वहां पे जो एक्सिस है मशीन टूल का जो एक्सिस है वो कितना मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये मतलब लिस्ट काउंट जैसे पकड़ के चलो। ओके सो ये हमको पूछते हैं बहुत बार, और कनेक्शन कैसा होता है आपको पता है, ये रहे सपोज आपकी ये मोटर है जो भी स्टेपर हो या कोई, ओके ये जो मोटर का शाफ्ट है, तो इस मोटर का शाफ्ट एक तो अगर गियर रिडक्शन है वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर ये डायरेक्टली कपल किया जाता है आपके
लीड स्क्रू के साथ, आपके मशीन का लीड स्क्रू, और लीड स्क्रू जिसके ऊपर आपका ये टेबल है, ओके, जो टू एंड फ्रो आपका मूव हो रहा है, ओके। मतलब यहां पे जितने पल्सेस प्रोड्यूस करेगा ये स्टेपर मोटर या सर्वो मोटर, उस पल्सेस के लिए यहाँ पे जो मूवमेंट होगी आपके लीड स्क्रू की, और ये कपल है, ये कपल है, यहाँ पे मैं यहाँ पे गियर रेशो भी लगा देता हूं, चलो, ओके। सो ये जो पिच है लीड स्क्रू का, जो पिच है वो कैसा है, मतलब एक रोटेशन जब लीड स्क्रू करेगा, मतलब रोटेशन कहां से करेगा, डेफिनेटली उसका सोर्स मोटर है, सो मोटर जब एक रोटेशन करेगा, एक रोटेशन करेगा, अगर डायरेक्टली कपल है तो एक रोटेशन लीड स्क्रू भी करेगा, और लीड स्क्रू के ऊपर क्या है भैया, थ्रेड है, तो थ्रेड के पास क्या है, ये पिच है। अगर मल्टी स्टार्टर है तो उसके पास लीड है, अगर सिंगल स्टार्टर है तो पिच है, ओके। सो जो पिच है दैट इज mm पर रिवॉल्यूशन, ओके। सो ये पिच को डियर स्टूडेंट्स, ये जो पिच है ये आपको लीनियर मूवमेंट देगा, यहां पे किसका, आपका जो टेबल है कितना आगे पीछे हो रहा है, ओके, अल्टीमेटली टूल का, ओके। सो यहां पे भैया एक सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना, BLU का फॉर्मूला ऑलरेडी परविंदर को पता है, दैट इज पिच ऑफ द लीड स्क्रू इनटू, अगर वो मल्टी स्टार्टर है तो नंबर ऑफ स्टार्ट्स, नंबर ऑफ स्टार्ट्स मल्टीप्लाई बाय, अगर गियर रेशियो दिया है तो गियर रेशियो ले लो, डिवाइडेड बाय कितने पल्सेस ये जो स्टेपर मोटर जनरेट कर रही है पर रिवॉल्यूशन, हर एक रिवॉल्यूशन के लिए कितने पल्सेस भैया वो स्टेपर मोटर प्रोड्यूस कर रही है, ये डायरेक्टली आपको मिलेगा BLU, बेसिक लेंथ यूनिट। बहुत बार क्वेश्चन आता है, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, देखते हैं भैया क्या है ये। देखो सिंपल चीज दी है, देखो पॉइंट टू पॉइंट एनसी मशीन में बोला है कि एक डिग्री पर पल्स, एक डिग्री के लिए एक पल्स लगता है, देखो कैसे रिलेट कर रहे। सो भैया आपको पता है एक रोटेशन कंप्लीट होने के लिए कितने डिग्री लगेगी, 360 डिग्री का एक रिवॉल्यूशन होता है, ओके। मतलब एक रिवॉल्यूशन 360 पल्स के साथ, 360 डिग्री के लिए एक पल्स, एक डिग्री के लिए एक पल्स, तो 360 डिग्री के लिए 360 पल्स, ओके भैया। मतलब एक रिवॉल्यूशन जब मोटर की होगी तब कितने पल्सेस लगेंगे उसको रोटेट करने के लिए, 360 पल्सेस। अब भैया उसका डायरेक्ट कपल किसके साथ होता है, गियर रेशो दिया नहीं, कुछ दिया नहीं, तो भैया क्या होगा, मतलब जब एक रिवॉल्यूशन मोटर करेगी तो वो डायरेक्ट कपल किसके साथ है, लीड स्क्रू के साथ। भैया लीड स्क्रू भी घूमेगा एक रोटेशन के साथ, और भैया जब लीड स्क्रू एक रोटेशन घूमेगा तो वो लीनियर डिस्टेंस ऊपर जो टेबल है, ओके, वो कितना होगा रे, उसका पिच के बराबर, 3.6 मिलीमीटर भैया। मतलब वो डायरेक्ट 3.6 मिलीमीटर ये आपको लगेंगे एक रिवॉल्यूशन, जो कि एक रिवॉल्यूशन में कितने पल्सेस है भैया, 360 पल्सेस है। और भैया याद रखना, ये जो पोजिशनल एक्यूरेसी होती है या फिर एक्यूरेसी जो होती है स्टेपर की या सर्वो की, वो होती है प्लस और माइनस वन पल्स। तो हमको ढूंढना क्या है, एक पल्स की वैल्यू तो ढूंढनी है, बताओ वन पल्स इज इक्वल टू हाउ मच, मतलब एक पल्स के लिए कितना मिनिमम डिस्टेंस जाएगा वो एक्सिस, 3.6 भागया 360 मिलीमीटर, भैया कितना गया, कितना गया, 0.010 मिलीमीटर जितना। और आपको पूछा है माइक्रोन में, आपको पूछा है माइक्रोन में, बता दो कितना आएगा आंसर, 10 माइक्रोन। ये है भैया, ये है। अब देखो इसके ऊपर जाके थोड़ा काम करो, ये मेरा सजेशन है, खाली एक ही क्वेश्चन कर पाऊंगा, अपने पास टाइम नहीं है, राइट भैया। याद रखना है, समझ में आया कैसे कोरिलेट करना है, अगर यहाँ पे गियर रेशो देते मैं बोलता हूँ 1:2 रिडक्शन है, 1:4 रिडक्शन है, ये टू स्टार्टेड, ये टू स्टार्टिंग का थ्रेड है, डबल स्टार्ट थ्रेड है, तो वहां पे क्या आ जाता, टू मल्टीप्लाई बाय पिच आ जाता, मल्टीप्लाई बाय गियर रेशो आ जाता। अरे हाँ ना, देखो यहाँ पे क्या गलत चीज होती, पिच की जगह पे लीड आता, लीड मतलब नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच इनटू, ओके भैया ये समझ में आना चाहिए, बस प्रैक्टिस करो। देखो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, मजा आएगा आपको जब पूछोगे ना, मतलब आप सॉल्व करते चले जाओगे। कभी कभी इसका रिलेशन वोल्टेज के साथ देते, इसका जो रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट का या पल्सेस का वोल्टेज के साथ देते, लीनियर डिस्टेंस, बस यही खेल है। ये जो कंपैरिजन या फिर ये जो को रिलेट करना जिसे बोलते ना, आपको खाली को रिलेट करना है सही से, ओके। बाद में तो भाई दो मार्क लेके रफा दफा होना है, बस शांति से, मैंने बोला 3-4 मार्क जरूर लोगे, ओके। सो देखो मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होमवर्क के लिए, देखो होमवर्क के लिए मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखे यहाँ पे, ये रहा पहला क्वेश्चन होमवर्क का, ओके, और ये रहा दूसरा क्वेश्चन होमवर्क का, ओके। होमवर्क करना है भैया, स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चीजें, राइट,
नोट्स भी मिलेंगे, नोट्स भी भाई अपने टेलीग्राम चैनल पे, परविंदर टेलीग्राम चैनल की लिंक शेयर कर देना भाई, परविंदर या अंकित। चलो और ये भैया याद रखना 22 अक्टूबर 7:30 बजे मटेरियल साइंस एंड मेट्रोलॉजी, ज्यादा से ज्यादा। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? चलो चलो जल्दी से बता दो। यस यस यस, सो ठीक है ठीक है। चलो ये अपना एंड ही है, कोई बात नहीं। सो मटेरियल साइंस एंड मेट्रोलॉजी याद रखना, और सुबह 10 बजे भैया प्रैक्टिस करना है। तो ये एमएसक्यू का, खाली एमएसक्यू का ऐसे नहीं, देखो एमएसक्यू के लिए आपके पास थोड़ा बहुत तो नॉलेज चलेगा, या फिर आपके पास रीडिंग होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि एमएसक्यू आप थोड़ा बहुत पढ़ लिए और आ गया। तो एमएस के लिए 4 डिफरेंट डायरेक्शन में हमको सोचना है, डिफरेंट वे में हमको देखना है क्वेश्चन को ऑल अराउंड। सो याद रखना कल से मटेरियल, ये आपका जो एमएसक्यू है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस की जो सीरीज में चालू कर रहा हूँ ऐप के ऊपर, ऐप के ऊपर। ओके, सुबह 10 बजे होगी, सुबह 10 बजे, प्लीज रिमेंबर। ओके, डू ज्वाइन मी टुमारो एट 10 AM फॉर द एमएसक्यू सेशंस, जो कास्टिंग एंड कास्टिंग कास्टिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बायजूस ऐप के ऊपर होगा। परविंदर लिंक दे दो भाई, लिंक दे दो परविंदर, जो भी लिंक दे दो कोंडिविलिकर को, राइट। ऊपर देखो, ऊपर देखो बोल रहा है। कहाँ गया, वन सेकेंड, ठीक है मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। चलो सो भाई